हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की भुजी। तो दोस्तों, इसके लिए अंडा बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और हफ्ते में एक दो बार अंडे की सब्ज़ी खाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो आवश्यक सामग्रियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। ये हमने 7 अंडे लिए हैं और ये हमने 2 प्याज बारीक काट लिए हैं, ये हमने 2 हरी मिर्च काट ली हैं, 2 चम्मच हमने मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी ली है, ये हमने नमक लिया है स्वादानुसार डालेंगे हम, ये हमने जीरा लिया है थोड़ा तड़के के लिए, ये 8-10 कलियाँ हमने लहसुन के लिए हैं, ये 1 कटोरी हमने तेल लिया है सरसों का तेल। हाँ तो दोस्तों, अब हमने चूल्हे के ऊपर बर्तन को रखा है और इसके अंदर हम तेल डालेंगे सरसों का, ये हमने तेल डाल दिया है और अब इसके अंदर जीरा डालेंगे हम, ये हमने जीरा डाल दिया है इसके अंदर। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा जीरा धीरे धीरे पक रहा है, इसको थोड़ा ब्लैक होने देते हैं ताकि अच्छी तरह पक जाए। हाँ तो दोस्तों, अब हमने अंडे को फोड़ कर 1 कटोरे के अंदर अंडे को मिक्स कर लिया है, सभी अंडों को हमने फोड़ लिया है। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा जीरा बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है और अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे और ये हमारी हरी मिर्च पक कर तैयार हो चुकी हैं। और अब इसके अंदर जो हमने प्याज कटिंग किए हैं वो प्याज डालेंगे, ये हमने प्याज डाल दिए हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमको थोड़ा इसको थोड़ा चम्मच से इधर उधर करेंगे, ये बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, धीरे धीरे पक रहे हैं प्याज भी, प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमारे प्याज बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे, सभी मसालों को हमने मिला लिया है एक बर्तन के अंदर। हाँ, ये हमने मसाले डाल रहे हैं हम इसके अंदर, इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं, धीरे धीरे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये हमारे मसाले इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च के अंदर मिक्स हो रहे हैं, बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा मसाला पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसके अंदर जो हमने अंडे हैं वो डालेंगे और ये हमने अंडे डाल रहे हैं इसके अंदर और अंडों को थोड़ा मिक्स कर देते हैं, ये अंडों को खोल कर हमने डाला इसके अंदर, अंडे धीरे धीरे मिक्स हो रहे हैं। अंडों को बिल्कुल एकदम से मसाले और प्याज के अंदर मिक्स करना है अच्छी तरह से और इसको धीरे धीरे चम्मच से इधर उधर करते रहना पड़ेगा जिससे कि चिपके नहीं। हाँ तो दोस्तों, अब हमारे अंडे लगभग तैयार, अंडा भुजी लगभग तैयार हो चुकी है और इसको थोड़ा और आग लगने देते हैं इसके नीचे जिससे बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाए। हाँ तो दोस्तों, अब हमारी भुजी बिल्कुल अंडा भुजी बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हमारी अंडा भुजी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसके अंदर, बहुत ही स्वादिष्ट अंडा भुजी हमारी बनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।